बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज हम बातें करेंगे रेशम कीट को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रबंधन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि बीजागार में तसर बीज कोष की देखभाल एवं उसकी सावधानियों के लिए। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लत्तरवर्गीय फसलों को समय से करें तुड़ाई, 50% अनुदान पर कृषि यंत्र का किया जाएगा वितरण, और झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्णप्रिया। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लत्तरवर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर कृषि यंत्र किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र जिला कृषि कार्यालय लातेहार में शीघ्र जमा करें। किसान भाई, किसी भी फसल से अधिक उपज लेने के लिए जैविक उर्वरक में FYM या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। FYM 10 से 15 टन डालते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट 5 से 10 टन ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट में FYM की तुलना में पोषक अधिक होता है। जैसे कि जैविक उर्वरक में जो है कि FYM हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो FYM जो होगा किसी भी फसल का जो अन्य धान के है वो 10 से 15 टन पर हेक्टर डालिए, और जो दलहन फसल है उसमें आप उसका भी 10 से 15 टन पर हेक्टर, और वर्मी कंपोस्ट है जो आप 5 से टन, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व FYM के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो वर्मी कंपोस्ट है वो हम थोड़ा सा FYM से कम डालते हैं, 5 से 10। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास उपलब्ध होगा सुपर कंपोस्ट और ये, तो वो तो और भी अच्छा होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में एक महीना पहले चूने का भुरकाव करें। रोपाई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्पूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती बरसात के समय मेड़ बनाकर करें। किसान भाई, डिबलिंग विधि में बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फलछेदक कीट लगने का खतरा रहता है। कृषक बंधु, इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्प दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार जोहार।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम जानेंगे रेशम कीट को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रबंधन के बारे में, तो चलिए बिना देर के इसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो रेशम कीट का पालन करते हैं, रेशम का उत्पादन करते हैं, उनके फसलों में उनके पेड़ों पर कभी कभी कीट का प्रकोप हो जाता है, तो इस कीट से वो अपने खेती को कैसे बचाएं, उत्पादन का समुचित लाभ ले पाएं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर एच गड़ा जी। किसान भाइयों को तो पहले ये बताएं कि किस तरह के पेड़ों पर जो रेशम के कीट पालन करते हैं, जैसे 2-3 वेराइटीज़ हैं, उन पे कौन कौन से कीट हैं जो कि रेशम के कीट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि रेशम के कीट मित्र कीट हैं और जो शत्रु कीट हैं वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, सिल्कोम के ऊपर दो कैटेगरी का शत्रु कीट है, हम उसको कैटेगरी किया परजीवी कीड़ों और परभक्षक कीड़ों। सो परभक्षक जो कीड़ा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट थर्ड इंस्टर तक ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। थर्ड इंस्टर मतलब पहला, दूसरा और तीसरा इंस्टर तक ज़्यादा नुकसान करता है। उसमें 3-4 पेस्ट आता है, उसका नाम है पहले स्टिंक बग और रेडविड बग, इसके अलावा बिरनी व्यास बोलते हैं हम, और चीटी भी, रेड कलर चीटी, सो वो ज़्यादा डैमेज करता है। और इसके साथ प्रेइंग मैंटिस भी एक प्रीडेटर है, वो भी थर्ड इंस्टर तक बहुत नुकसान करता है सिल्कोम को। और इसके अलावा परजीवी में दो तरह का कीट आता है, उसमें एक फीला मक्की येलो फ्लाई हम बोलते हैं, और एक आता है ऊजी फ्लाई। ऊजी फ्लाई मतलब ये थोड़ा हमारा घर में जो मक्खी रहता है उसी तरह का लगता है और उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है। वो ये दो कैटेगरी का पेस्ट आता है, और मैं अभी बताता हूँ ये कौन सा स्टेज में ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सो पहले हम जो बात किया परभक्षक कीट, वो परभक्षक कीट वो डायरेक्टली सिल्कोम को खा जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रकोप रहता है पहला, दूसरा और तीसरा इंस्टार में। सो इस टाइम पे हम किसान भाई को रेकमेंड करते हैं वो थर्ड इंस्टार तक हमारा जो सिल्कोम का रेयरिंग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानी के अंदर या 30x40 फीट का नायलॉन नेट के अंदर इसका रेयरिंग करने से ये सारा प्रीडेटर या परभक्षक वो जो कीट हानिकारक कीट है वो उससे हम सिल्कोम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक चीटी का कंट्रोल का बात है, चीटी का कंट्रोल करने के लिए हम पायराथ्रॉइड केमिकल को प्लांट का नीचे वो बेसिन में थोड़ा डस्टिंग एक दो दिन पहले, ब्रशिंग के एक दो दिन पहले वो छिड़काव करने से जो चीटी जमीन से पेड़ में जाता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चीटी को ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी नायलॉन नेट का अंदर रेयरिंग करने से हमारा स्टिंक बग, रेडविड बग, वैस्प और प्रेइंग मैंटिस से हम उसको सिल्कोम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन रेयरिंग के पहले भी क्या किसान भाई को कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए कि थ्रू सॉइल जो है कीट का प्रकोप पेड़ों तक ना पहुँचे? रेयरिंग के पहले भी कुछ हम फील्ड प्रिपरेशन ये सब करते रहते हैं, खुदाई वो फ्लोइंग ये सब करते हैं और नीम केक डालते रहते हैं। इससे क्या होता है जो कीट सॉइल में रहता है वो उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है जो सॉइल में कीट रहता है वो हमारा सिल्कोम को भी कभी कभी नुकसान करता है, और दूसरा कैटेगरी का जो पेस्ट रहता है वो हमारा प्लांट्स को भी डैमेज करता है, लाइक डीपोलेट्स, ये बीटल्स ये सब, और गाल फ्लाई, ये सब सॉइल में रहने वाले इंसेक्ट है। सो आप रेयरिंग के पहले वो जो लैंड प्रिपरेशन करते हैं उससे वो सनलाइट को एक्सपोज होकर वो मर जाते हैं, नीम केक डालने से भी वो मर जाता है। इस तरह से हम सॉइल से जो कीट हमारे पौधों में आएगा वो रेयरिंग के पहले ये सब गतिविधि करने से उसको रोक सकते हैं जी। अच्छा, हमारे किसान भाइयों के जो रेशम के बाग हैं, कीट पालन जहाँ करते हैं, वहाँ कीट का प्रकोप अगर हो गया है तो वो कौन सा लक्षण या सिम्टम है जिसको देख के वो उनको पता चल जाएगा कि नहीं उनके बगीचे में, उनके बाग में कीट का प्रकोप हो गया है? जहाँ तक ऊजीप्लाई और फीली मक्की का डैमेज है, इसको थोड़ा ऊजीप्लाई का डैमेज आपको सिल्कोम, आपका सिल्कोम इन्फेक्टेड रहता तो उसमें एक ब्लैक कलर स्पॉट दिखता है जहाँ वो अंडा देता है उधर उसका डैमेज थोड़ा काला होके वो सिम्टम्स दिख जाता है। वो एक तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन फीली मक्की का वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो स्पिनिंग स्टेज में डैमेज करता है। सो फील्ड में थोड़ा आपको
सिम्टम्स नहीं दिखता है, लेकिन वो इंसेक्ट इजीली आपको दिखता है फील्ड में, जहाँ आपका रेयरिंग रहता है उधर ही वो घूमते रहता है, वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका डैमेज है, इसको कंट्रोल करने का आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसका सिम्टम्स आपको फील्ड में नहीं दिखता है, क्योंकि ये स्पिनिंग टाइम पे वो कीड़ा तो अंदर रहता है, सिल्क अंदर, वो आपको ग्रेनेज में दिखता है। जब आपको ग्रेनेज में ऐसा कीट वो एमर्ज होता है, उसको भी उधर ही मार दीजिए। आप ऐसा ही उसको बाहर छोड़ेगा तो आपका नेक्स्ट क्रॉप में वो नेचर में रहता है, फिर उसको आपको नुकसान पहुंचता है। सो जहां आपका ग्रेनेज में एमर्ज होता है उधर ही उसको कंट्रोल कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चूँकि रेशम के कीट जो है वो किसानों के लिए मित्र कीट के तौर पर है, है ना, फ्रेंडली इंसेक्ट है, और जो शत्रु कीट है वो इन मित्र कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जब पेस्टिसाइड का प्रयोग करें या कीटनाशकों का प्रयोग करें तब किसान भाई किस तरह की सावधानी रखें? सो इसमें क्या होता है, हमारा सिल्कोम, हमारा वो रेशम कीट है, ये भी एक कीड़ा है, और उसके ऊपर जो कार है वो भी एक कीड़ा है। सो इसमें हम जहाँ रियरिंग के दौरान कोई केमिकल एडवाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो हमारा सिल्कोम को भी नुकसान पहुँचने का चांसेस रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे सिल्कोम को भी किल करता है। इसी वजह से हम कोई रेयरिंग के दौरान कोई केमिकल नहीं रेकमेंड करते, लेकिन जो पौधे के ऊपर जो कीट आता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेयरिंग से एक महीना पहले तक हम कुछ दवाई रेकमेंड करते हैं। आप सुना होगा रोगर का नाम, सो 3 ml/L इसको स्प्रेइंग करने से हमारा जो गाल इंसेक्ट और बाकी जो डीपोलेट रहता है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। रेयरिंग से कितने दिन पहले इसका? रेयरिंग से पहले कम से कम 20 दिन या एक महीना अच्छा रहेगा। एक महीना पहले आप ये स्प्रे रोगर का 3 ml स्प्रेइंग किया तो वो पूरा आपका होस्ट प्लांट को ये एक ही बार करना है या इसको इसको 15 दिन के अंतर दो बार करने से ज़्यादा कीट वो प्लांट को डैमेज करता है उसका कंट्रोल हो जाता है। और एक केमिकल है मोनोकोटोपस, सो इसको हम दिस वन स्टेम बोरर और दीमक ये सब उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं। ये भी एक महीना पहले किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा सिल्कोम होस्ट प्लांट पेस्ट का कंट्रोल करके, नुकसान नहीं होता है, इससे आप ज़्यादा ककुन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसान भाई, देखा आपने कि आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने दी है, और उम्मीद करते हैं कि जब आपकी जो आपकी खेती है उसको किसी भी तरह का नुकसान कीटों से नहीं होगा, अगर जो भी सुझाव डॉक्टर साहब के द्वारा दिए गए हैं उसको अगर अपनाते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और डॉक्टर साहब। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपना कर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75-85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30-50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। और अब हम बातें करने जा रहे हैं बीजागार में तसर बीज कोष की देखभाल आप कैसे करें और इसके देखभाल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आज हम बात करेंगे बीजागार में तसर कोष बीज की देखभाल एवं सावधानियों के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर MD तिवारी। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताइए कि बीजागार कितने तरह के होते हैं, इनकी बनावट साइज क्या होती है? उस स्थान को कहते हैं कमरा होता है, जिसमें कि बीजू कोषों को रखा जाता है ताकि उनसे अंडा बनाया जा सके। बीजागार पक्का बीजागार होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 35 फुट लंबाई, 20 फुट चौड़ाई और ऊंचाई 15 फुट तक होती है, और उसमें एक फॉल्स सीलिंग होती है, बाहर में बरामदा होता है 8 फीट का। ये हमारा जो है बीजागार होता है जो कि यहाँ से रिकमेंड किया गया है। एक और बीजागार होता है जो कि इसको हम लोग शेड नेट से बनाते हैं, जिसको बाहर में कहीं भी बनाया जा सकता है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई उतना ही रखते हैं लेकिन उसको कवर करते हैं शेड नेट से। और ये दो तरह के बीजागार हैं जो कि आजकल प्रयोग में आ रहे हैं। इस बीजागारों में शुरुआत में पहले बीजू कोषों को रखने से पहले बीजागारों की साफ सफाई अच्छे तरह से करना पड़ता है। पक्का भवन है, उसका चूना
पोताई कर देंगे और उसको जितने भी बीजागार में उपयोग होने वाले सामान हैं उनको भी विसंक्रमित किया जाता है और उसको विसंक्रमण के लिए 5% ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना के उसका छिड़काव कर देते हैं दीवारों के ऊपर चारों तरफ आसपास बीजागार के, उसको विसंक्रमित करते हैं ताकि कोई बीमारी जो है बैक्टीरिया वायरस उसमें न घुसने पावे। ये तो बीजागार की बात, बीजागार होता है उसकी जो शेड नेट वाली जो बीजागार, शेड नेट वाला बीजागार में भी जो है हमको पहले डिसइंफेक्शन विसंक्रमण करना पड़ता है और उसके लिए भी वही है 5% ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना के और उसको छिड़काव कर देते हैं और आसपास भी छिड़काव कर देते हैं, तो ये हमारा बीजागार भवन जो है जिसको बोलते हैं उसको डिसइंफेक्ट इस तरीके से विसंक्रमित हो जाता है। ये तो हुई डॉक्टर साहब की, उसे डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं या फिर बीजागार कितने तरह के होते हैं। अब इस हमारे जो किसान भाई हैं वो बीजों को उसकी चुनाव कैसे करें उसका। अब इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ ये टसर की झारखंड में दो फसल होती है, प्रथम फसल और द्वितीय फसल। प्रथम फसल का बीजागार जो है अभी अगस्त में हो जाएगा, अगस्त सेप्टेम्बर में होता है, तो दो बार बीजागार प्रक्रिया किया जाता है उसी भवन में, तो इसलिए भी संक्रमण जरूरी है। तो ये फसल जो अभी प्रथम फसल होगी अभी जो चल रही है उसका बीजागार अभी अगस्त सितंबर में होगा, उसका जो है बीजागार उसमें जो कुकुन उत्पादन होगा हमारा जो फसल चल रही है कीट पालन, उससे जो कुकुन उत्पादन होगा उसमें से बीजू कोषों को छांट लेते हैं। बीजू कोषों का मतलब ये हुआ कि जो स्वस्थ अच्छी बनावट वाले कोसे हों उनको जो है छांट के एक तरफ कर लेते हैं, और जो कभी कभी होता है क्षेत्र में जो है कुछ कटे हुए कोसे आ जाते हैं, अभी उजी फ्लाई इन्फेस्टेड मतलब उसमें छिद्र होता है उस टाइप के कोसों को छांट देते हैं, कभी कभी चूहा कट भी होता है फील्ड में ही आ जाता है, तो ऐसे कोसों को छांट देते हैं। स्वस्थ अच्छी बनावट वाले कोसों का चुनाव करते हैं और उसको माला बना के 100-100 का माला बनाते हैं, एक सुतली लेके उसमें माला जो है 5-5 का गुच्छा बना के 20 गुच्छा बना के लटका देते हैं और उसको बीजागार भवन में जो है बांस लटकाने की कोई स्पेशल प्रक्रिया की कोई स्पेशल तरीका जिससे लटकाना चाहिए ये हम ये आपको बता रहे हैं कि बीजागार भवन में वो बांस एक दीवार से दूसरी दीवार पर इस तरह से करते हैं कि वो कम से कम नीचे जमीन से 8 फुट ऊपर हो जाए, 7 से 8 फुट तक ऊपर रह सकता है वो पूरा उस बिल्डिंग में, 20 फुट का जो चौड़ाई होता है ना 20 फुट का बांस लेके उसको दीवार में लगा देते हैं या तार भी बांध सकते हैं, तो उसको जो है कम से कम 3 फुट के दूरी पर तार बांध देंगे, उसमें माला लटकाएंगे, एक एक माला की दूरी एक माला से दूसरे माला की करीब करीब 6 से 8 इंच होनी चाहिए, तो ये दूरी हो जाएगा मेंटेन हो जाएगा। जमीन से माला की ऊँचाई जो है कम से कम 1.5 फुट होनी चाहिए और उसको ऊपर भी इतना नहीं होना चाहिए, इसीलिए 8 फुट पर रखा गया है, 8 फुट पर वो तारा या बांस लगा देते हैं तो उस पर लटका देते हैं, तो ये आपका बीजागार में बीजू कोषों को रखने का तरीका हो गया। नर और मादा दोनों तितली निकलती है और उसका वहीं पर पेयरिंग हो जाता है, पेयरिंग मतलब वो आपस में मिल जाते हैं वहीं पर, और वो अंडोत्पादन के लिए जो है ये प्रक्रिया जरूरी है, कपलिंग होगा तभी वो जो है अंडा तो वैसे भी निकल जाएगा लेकिन कपलिंग होगा तो अंडा से जो है कीड़े निकल पाएंगे, अगर कपलिंग नहीं हो पाया तो कीड़े नहीं निकल पाएंगे, तो इस तरह से वो कपलिंग स्टेज में करीब 6 से 8 घंटा उनको रखते हैं और उसके बाद उसको डिकपल करते हैं। डिकपल करने का मतलब कि मेल को फीमेल से अलग कर देते हैं और उस फीमेल को उठा के एक एग लेइंग बॉक्स बोलते हैं उसको, जिसमें कि अंडा जो है वो तितली देगी, तो मादा तितली को पकड़ के उठा के वहाँ से और उसको एग लेइंग बॉक्स, ये बॉक्स भी 4 तरह के होते हैं, एक पेपर बॉक्स होता है, एक एक मिट्टी का होता है कप नुमा होता है, एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है छोटा छोटा होता है, तो ये और एक नायलॉन नोट का भी जो है जाली टाइप का बना के थैली उसमें भी अंडा दिलवाते हैं, तो इस समय सबसे अच्छा जो है इसमें ये मिट्टी वाला जो कप होता है इसको माना गया है। अच्छा, मिट्टी वाला कप को माना गया। क्या बीजागार को और कोई विशेष सलाह हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे जिससे वो अपने बीजागार की और अधिक से अधिक देखभाल कर सके और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके और उन्हें नुकसान कम उठाना पड़े? बीजागार प्रक्रिया में सबसे पहले तो बीजी कोषों का चुनाव, सबसे पहले किसान भाई ध्यान दें कि अच्छे बीज कोषों का चुनाव करें, उसके बाद बीजागार भवन की साफ सफाई करें और उसके बाद जब तितली को कपल करने के बाद निकालते हैं तो उस तितली की जांच किया जाता है, एक पेबरिन बीमारी होती है जो कि बहुत खतरनाक है,
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, तो पेब्रिन बीमारी की जांच माइक्रोस्कोप से किया जाता है। तो उस प्रक्रिया के समय, माइक्रोस्कोप की जांच के समय, उसका एब्डोमेन काट के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्लाइड पर रख के, उसमें एक बीमारी दिखाई पड़ती है पेब्रिन। अगर पेब्रिन बीमारी दिखाई पड़ जाए तो उसको तितली को अंडा सहित पूरा नष्ट कर देते हैं और गड्ढे में दबा देते हैं, वो फैलने ना पावे, वो किसी से टच ना होने पावे। तो ये जो है खराब अंडे को तितली को हटा के जला देते हैं और उसमें से जो बीमारी रहित तितलियां हैं उनका अंडा जो है उसी कप में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको कप को सभी 3 दिन तक अंडा को, तितली अंडा देती है, 3 दिन का अंडा उसी कप में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अंडा को निकाल के उसको डेप्रोटेक्स एक केमिकल होता है उसमें जो है धुलाई किया जाता है, 5 ml 1 liter में मिला के उसको अंडे की धुलाई करेंगे। वो नेट की थैली आती है उसमें लेके धुलाई कर देते हैं, उसको साफ पानी से धुल के और छाया में सुखा देते हैं और उसको 200-200 ग्राम एक एक पैकेट में रख देते हैं। तो ये एक 100 DFL, वो 200 ग्राम मतलब 100 DFL हो गया, तो इसको वितरण करने में आसानी होती है। तो देखा ना किसान भाइयों कि हमारे डॉक्टर साहब ने आपको कितनी अच्छी और ज़रूरी जानकारियाँ दी। आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं अपने बीजागार में और अपने बीजों की अधिक से अधिक देखभाल कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, सभी को नमस्कार, जोहार। आज के अंक में इतना ही, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको बता दें कि कृषि दर्शन के हर प्रोग्राम को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं YouTube पे, और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं Facebook और Twitter पर। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 8340001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से यूं ही आपसे बातें कर सके। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।